और एक बार में कितनी गोली फायर करेगी एक बार एक में? एक बार में तीन राउंड होता है हाँ। प्लस सिंगल राउंड के हाँ। वो अपन को देखना पड़ता है कि दुश्मन एक है या ज्यादा है। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज आगर्स, आई एम बैक विद वीडियो एंड टुडे दिलकुशा गार्डन। राइट नाउ यू कैन सी माय बैक, दैट इज दिलकुशा गार्डन एंड देयर आर्मी फेयर इज गोइंग। सो आई एम गोइंग टू शो ऑल थिंग्स दैट व्हाट्स गोइंग इनसाइड एंड व्हाट ऑल थिंग्स देयर दैट वी कैन एंजॉय। Show you all other things that left and that is good here. So let's enjoy this vlog and this amazing vlog. 14 today is 14 August and it's day before that 15 August means Independence Day. So I think it's a really nice place to visit here, and it was only for 2 days, 13 August and 14 August. So it's 14 August today and it's last day for this fair and I'm really enjoying here. You can see this is a sir and here different types of machines and guns here you can see, and here lots of students came here to see this fair, and I also heard when news of this, then I came here finally to see this. Is seeing the as a weapon and guns. So तिरंगे निकलती है, ये तिरंगे कोई भी मूवमेंट होगा उससे टकराएंगी और टकरा के वापस आके फिर यहाँ पर उसको डाटा दे देते हैं। डाटा में क्या आएगा, उसका रेंज आएगा, उसकी डिग्री आएगी, उसकी स्पीड आएगी और वो टारगेट। दिस इज रडार, यू कैन सी सर डिस्क्राइब वेरी वेल अबाउट दिस गन, सो ह्यूज एंड गुड। And look at this rocket launcher, and look at this machine gun. So here many different types of guns and machines guns here, and their sir is introducing what is that, and he is telling about that weapon. So it's a nice to look at that one, and that is also great. And I think it's rocket launcher, from this we can launch rocket. मोटर इससे क्या होता है, इसमें रॉक ये वाला बम, ये बम फायर होगा यहाँ पे ऐसे लगा देंगे हाँ हाँ नीचे जाएगा, इसका बेस टकराएगा नहीं, इसके अंदर बारूद है वो फिर स्पीड से निकल के जाएगा। और इससे निशाना कैसे लगाएंगे कहीं पे जो टारगेट रहेगा? निशाना इसमें डिग्री डिस्टेंस सेट करते हैं इसमें। अच्छा पहले इसमें सेट कर देंगे, इसमें सेट किया रहता है हाँ, इसमें पहले सेट कर देंगे कहाँ पे जाके गिरेगा, इसमें सेट कर देंगे। अच्छा ये वेपन ज़्यादातर कब यूज होता है? ये बॉर्डर पर जा रही है, इंटरनल में तो कर नहीं सकते इसको, ये जहाँ पर गिरेगा ये 5.5 मीटर एरिया के अंदर पूरा बर्बाद कर देगा। इंटरनल में करेंगे तो अपनी लोकल पॉपुलेशन है उसको नुकसान होगा, इसलिए बॉर्डर पर जाएगा। सीन हाउ दे ऑल डिस्क्राइब्ड अबाउट our force and that all what guns and that all things here. So I'm grateful here. I'm really enjoying myself here and I'm thankful to come here, and thanks to Shubham that told me about this place, that about this fair. What is this sir? ठीक है, ये इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए टाइप ऑफ कमीशन, कैसे एनरोलमेंट होना है, क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है। कैन आई कीप दिस वन? ये रख सकता हूँ ये? हाँ। थैंक यू सर। सर यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या 15 क्यूमन इंडोर फ्लड रिप्लेट, मतलब बाढ़ के समय ये सब सारी चीज़ें यूज की जाती हैं हेल्प के लिए। ये टेम्परेरी इसको बनाया जा सकता है ऑन द स्पॉट वहाँ पे, और मीन्स ये जितने भी सामान यहाँ पे रखे गए हैं ये बाढ़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और ये लोग इन सब के द्वारा
लोगों को बचाने में बहुत मदद करते हैं, ये सब जो रखे हैं मिल्क चेन एंड केन एंड बहुत सारे लाइट वगैरह भी है यहाँ, कैप है। और सर इससे क्या होता है, इससे सिग्नल्स भेजे जाते हैं कम्युनिकेशन का ये। अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए। हाँ अच्छा, मैंने देखा है ये वहाँ पे भी रहता है जो पुलिस वगैरह रहते हैं उनके पास भी सेम रहता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, जो आर्मी के पास रहती है वो मेट्रो होता है दूसरा। हाँ ये लूप होता है कम्युनिकेशन, मतलब एक से डेढ़ किलोमीटर। हाँ वो होता है पाँच छः किलोमीटर। So see the whole entire place here and students camps there and all things here you can see, and that for especially guest I think. But tank नहीं आया तो क्यों नहीं आया कुछ बताएँ या सर? टैंक हमारे अंदर में नहीं, मुझे पता नहीं। ओके सो ये हर साल लगता है ना दो दिन के लिए, पिछली बार भी लगा था, नेक्स्ट ईयर भी लगेगा 15 अगस्त। या सो thanks sir for talking to me and thank you. So you can see how's the behavior of all Indian soldiers, they are very polite and they are very grateful to us, they always always protect us and they always behave very well to everyone. So I say please feel proud to our soldiers and please support our soldiers and enjoy every day of your life, because life is too short, and live this amazing, I would say celebrate this 15 August with respectful and joyful, and make people proud to be an Indian. And last time I visited Janeswar Mishra Park on 15 August, but today is 14 August I came here, but मैं कह रहा हूँ मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ पे आने के बाद, वो पैट्रियोटिक फीलिंग आने लगती है ना जब देखो सोल्जर्स को, और यहाँ पे जो फंक्शन हो रहे हैं उन सबको देखो तो वो पैट्रियोटिक फीलिंग आने लगती है। सो आई विल बट आई शुड से देयर ऑल मीन्स ऑल माई बैक एंड देयर सोल्जर्स, सो मेनी सोल्जर्स हियर एंड दे आर शोइंग गन्स एंड ऑल दैट थिंग्स, दैट इज रियली अमेजिंग। एंड I'm going to take some pictures here with him, so why not, if I came so I should take, why not I should take pictures. The machine guns here, so different types of machine guns here you can see, and enjoy this. So really here seeing, last time there was lots of but this time it's less, but really whatever, that is all amazing and good. और एक बार में कितनी गोली फायर करेगी एक बार में तीन राउंड होता है। हाँ प्लस सिंगल राउंड के। हाँ वो अपन को देखना पड़ता है कि दुश्मन एक है या ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो आपको ब्रश पर रखना पड़ेगा, तो ये फिर से बार बार करने पड़ेगा ये। ठीक होगा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ एक बार इसमें भर दिया, एक बार आपको को करना है इसे, तो अपने आप हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इट वॉज रियली नाइस टू कम हियर एंड एंजॉय दिस wonderful moment with Indian soldiers. So don't forget to like, because I came here from so far, so I enjoyed this place a lot. So I'm going to leave this wonderful place here, Dilkusha Garden, and thanks again for watching, and don't forget to subscribe and don't forget to share this video on this 15 August. So bye bye, see you in next video.